हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजय सूद और आप देख रहे हैं मेरे चैनल ऑटोटेक प्रोफेशनल। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे लिंक एरर अगर अपडेट करते वक्त बजाज की किसी भी बाइक में आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, उस प्रॉब्लम को। इस वीडियो को देखकर आपके आपको समझ में आएगा कि एक जो बड़ी प्रॉब्लम है लिंक एरर आने पर आपका ECU भी ख़राब हो सकता है। तो ECU ख़राब होने से बचाने के लिए आपको कुछ स्टेप अपनाने होंगे, वही स्टेप मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पहले आप ये एक वीडियो क्लिप देखिए, उसके बाद आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और मैं आपको बताऊँगा कि हम क्या कर सकते हैं लिंक एरर को हटाने के लिए, क्योंकि लिंक एरर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसके कारण आपका ECU ख़राब हो सकता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने बोस टूल में फाइल डाली हुई है, अब हम बाइक के अंदर फाइल डालेंगे। ये फ्लैश इश्यू कंटिन्यू सेशन फ्लैश द इश्यू यस नेक्स्ट ट्राई क्या। तो दोस्तों, आपने देख लिए वीडियो क्लिप में आपने देखा है कि मैं बजाज की एक बाइक को अपडेट कर रहा हूँ और उसमें लिंक एरर आ गया है। तो लिंक एरर आने पर आपको क्या करना चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको अपना इग्निशन, बाइक का इग्निशन ऑफ करना है, गद्दी को हटाना है, आपका ECU निकालना है। निकालने के बाद उसको दोबारा लगा देना है। दोबारा लगाने के बाद जैसे ही आप इग्निशन ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद एक टिक टिक की आवाज़ आती है जो ऑटो चॉक की होती है BS6 बाइक में, तो वो आनी चाहिए। अगर वो आ गई है, दोबारा से बोस टूल लगाइए। बोस टूल लगाने के बाद उसको अपडेट करने की कोशिश कीजिए। कोशिश करने के बाद वो अपडेट हो जाएगी। यही एक अच्छा सोल्यूशन है आपके ECU को बचाने का। लेकिन अगर आप उसको, जो आपका ECU है उसको निकाल नहीं रहे हैं और निकालने बिना आप उसको अपडेट कर रहे हैं, तो उसके कारण आपका जो ECU है वो ख़राब हो सकता है। बार बार वो लिंक एरर बताता रहेगा। तो लिंक एरर से बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ यही एक सिंपल स्टेप है, इग्निशन ऑफ करो, गद्दी को ओपन करो, अपना ECU निकालो, दोबारा लगाओ, टिक टिक की आवाज़ सुनो इग्निशन ऑन करने पर और अपडेट कर दो। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।